हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। तो भैया निकल रहे हैं गांव के लिए, लेकिन मैं उससे पहले जाऊंगा ऑफिस। हाँ, खोल दिया। बाय बाय, मैं यहीं रहूंगा, ये दिवाली मनाने घर जा रहा है। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। हाँ, हैप्पी जर्नी सेम टू यू। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ घर, नहीं, पुष्पा भी जाएगी। पुष्पा का एक्चुअली ऑफिस है। तो आज का प्लान यूँ है कि यहाँ से हम जाएंगे जयपुर, नहीं, उससे पहले मैं जाऊँगा ऑफिस। तो ऐसा क्यों है कि पुष्पा मेरे ऑफिस आएगी, क्योंकि ये कुंडली उल्टी साइड में पड़ता है राजस्थान से, तो वापस मैं यहाँ आऊँ एक सवा घंटा ड्राइव करके फिर वापस, तो दो घंटे की एक्स्ट्रा फालतू की ड्राइविंग हो जाएगी और फालतू का स्ट्रेस हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि तू टैक्सी करके आ जाना तू, और सामान वामान सब मैंने भर लिया है। पीछे ही सूटकेस वगैरह, एक सूटकेस डिक्की में रखा हुआ सब है। मास्क जरूरी है, दूरी जरूरी है, चश्मा जरूरी है, सब रख लिया है। याद आ रहा है एक करके दिमाग में। और देखते हैं भीड़ कैसी रहती है हाईवे। मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम रहेगी भीड़। आज है तारीख 13 तारीख, तो आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो कल सुबह तक हो सकता है हम पहुँचे घर। मुझे तो पता ही नहीं था इतना शोर होता है यहाँ। आज मैंने शीशा खोला ना पहली बार, तो मुझे फील हुआ कि यहाँ तो काफी शोर होता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ट्रैफिक में कोई कमी है क्या आज छोटी दीपावली पे, तो कोई खास मुझे कमी नहीं दिख रही। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ हरियाणा में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पॉल्यूशन आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को। तो ट्रैफिक की वजह से मैं हो गया हूँ थोड़ा सा ओवर लेट, तो आज मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट हूँ ऑफिस के लिए। जस्ट रीच्ड ऑफिस, तो थोड़ा काम करते हैं लंच तक, तब तक पुष्पा आ जाएगी, फिर निकलते हैं गांव के लिए। पुष्पा आ रही है, उसको पार्किंग में से डायरेक्ट गाड़ी में फेंकना उठा के, तो मैं पार्किंग में जा रहा हूँ झोला वोला लटका के। खाना वाना मैंने गर्म कर लिया है, तो रास्ते में खाएंगे उसको। गाड़ी में खाना अच्छा लगता है। एक दिन बोली थी ना वीडियो, पुष्पा ने काफ़ी लेट करा दिया है, 1:30 तो यहीं बज गया। यहाँ से लगभग 9 घंटे तो मानो आप। आ गई चिड़े। ठीक है भैया, हैप्पी दिवाली। चलो भाई, राम राम। तुझे गाड़ी में खाना अच्छा लगता है ना? हाँ। आ गई बंदरिया। मैंने तुझे छोड़ दिया था सुबह, फिर मैंने सोचा चलो साथ ही में चलते हैं, तू भी क्या याद ही करेगा। आ गई बक, यहाँ कचरे में खड़ी कर रखी। तेरे साथ चलने के लिए शादी करी थी, पीछे पीछे चलने के लिए नहीं करी, साथ में लेके चल मोड़ा। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते रहेंगे रस्ते। अब मैं चश्मा बदल लेता हूँ। हीरो में सब में। तो गाड़ी रेंज दिखा रही है अभी 188 किलोमीटर की, और देखते हैं जहाँ बत्ती चलेगी वहीं भराएंगे, उससे पहले तो नहीं भरा रहे हैं अपन। शांत स्वभाव तो ठीक है, लेकिन ऐसी ड्रेस कहाँ से लेके आई तू, ये नेताओं वाली। मैं ना चुनाव लड़ूंगी गांव से सरपंच का। जीतेगी भाई, जीतेगी रेखा देवी, जीतेगी। काम करेगी ना काज करेगी, वो सिर्फ बैठ के आराम करेगी। काम करेगी ना धाम करेगी, बैठ के आराम करेगी और पति को परेशान करेगी। तो भीम सिंह चिक पर्दे वाले खरीद। भीम सिंह चिक पर्दे वाले भाई, किसी को भीम सिंह से पर्दे खरीदने तो 9540522578 उनका नंबर है, आप जाके उनसे पर्दे खरीद सकते हैं। वो घर पे डिलीवरी भी करते। चले रहे घर चले रहे। ये आ गया बुद्धा जयंती पार्क। ये पार्क है, वही पार्क है ना? हाँ, ये वही पार्क है। वही वाला। इलाका है भाई सब इतना सुंदर। एनसीसी है, मिलिट्री एरिया। अच्छा। और ये कबूतर पति। कबूतरी पत्नी। यार क्या सी, क्या मस्त जगह है, इतनी ग्रीनरी। हाँ तो ग्रीनरी पे नहीं अटकी तो। सब 40 की स्पीड में चल रहे, कैमरे लगे हैं। डोरेमोन, तुम्हें कैमरे से डर लग रहा है? डोरेमोन ये कैसा नजारा है डोरेमोन? यहाँ घर नीचे, पुल ऊपर है डोरेमोन। आज तो पूरी तरह बावड़ा हो गया तेरे अंदर डोरेमोन की आत्मा को। आ रही है स्टाइल में धीरे धीरे। हमने लगभग कितनी गाड़ी चलाई है? हमने चलाई है लगभग 20-25 किलोमीटर अभी तक बस। डोरेमोन 20 किलोमीटर गाड़ी चल गई। बकवास के चक्कर में ना, मैंने अभी मैप को जब जूम इन करके देखा तो पता चला कि हम द्वारिका की साइड से जा रहे हैं, आज गुड़गांव की साइड से जा ही नहीं रहे। तो ये है वो रेड लाइट जहाँ हम खाना खा रहे हैं। उधर से एक बहुत बड़ी फ्लाइंग। इधर गई। हाँ हाँ, उधर ही
तो बर्थडे तो हमने कर दी खत्म। तो पुष्पा जो पक्षी होते हैं ना उनकी तरह चुगे जा रही थी, चुगे जा रही थी। मैंने कहा भाई साहब पूरा ही खाना खा लेते हैं। तो हम इधर द्वारिका में ही बढ़िया से छोटे छोटे रोड हैं। तो खाना खा लेते हैं फाइनली। ऐसे गाड़ी में खाना खाने से क्या होता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। मेरे को हिचकी आ गई, इतनी मिर्ची डलवा दी आज सब्जी में। आज भी मत लग रही है सब्जी में। रागी की रोटियां, मैं रागी की रोटी बनाई स्पेशल वाली जो इसको कभी पसंद नहीं आती। रागी की रोटी किसी ने दिखाया ना तो देख लो, कलर ही ऐसा होता है इसका, लाल पीला हरा नीला। नहीं ये कैसे अच्छी लग सकती है, ये हेल्दी होती है पागल। मैं तेरे को बहुत हेल्दी खाना खिलाती हूं। खाना अब मैं चलाता हूं गाड़ी क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी करके खा लिया। खा ले क्या सब्जी बनाई है दोस्त। वाह वाह वाह, अरे तेरा पति है ही कमाल। जिसको अपने घर में अच्छा खाना बनवाना ना उसको मेरे पति, मेरे को बुलाओ, मेरे को बुलाओ भाई, मेरे को बुलाओ। तो पता नहीं भाई कौन से रास्ते से ले जा रहा है, ऐसा रास्ता दिल्ली से और जयपुर के लिए। कितने लोगों ने देखा है कमेंट करो नीचे बॉक्स में यार। किसने किसी लड़की को तीन तीन टिफिन खाली करते हुए देखा है कमेंट करो बॉक्स। हाँ गड्ढे भी हैं इसमें, खाना पसेट हो जाएगा पागल। ये सेंचुरी है, सीन दिखा रहे दिल्ली वाले। सीन क्या है, ये तो भयंकर जंगल है। देखो किसी कोई गलती से दिल्ली वाला ब्लॉग देखते हुए बता देगा भाई ये कौन सी, यहाँ से यू टर्न लेना है अपन को। तो गड्ढे भी है इसमें बड़े बड़े, उधर ट्रक गिरा गड्ढे भाई साहब। क्या रास्ता है जयपुर का, कौन सा इलाका है रे, ये कौन सी देहात है। ओडिया चल रही है और देहात चल गई ओडी। मुझे अब लग रहा है कि हम लोग जल्दी सिक्स लेन हाईवे मिल जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। समझी प्रतीक की बच्ची, प्रतीक की बच्ची मैं। ओ मेरे पापा से जाके बोल देते, पापा ऐसे मेरे से बोल रहे रहता है। अरे वो प्रतीक विकास की बच्ची नहीं है। भाई साहब आज तो गूगल हदी कर दिया रे, हदी। आज हम रास्ता भटक चुके हैं। ला दिया गूगल बाबा की जय। ये छोटे तो काला चश्मा लगा था स्टेशन में आ गया वो पूरा काला चश्मा वाला, काला रास्ता हो गया पूरा आज। आज ना तो मतलब एक घंटा एक्स्ट्रा चल दिया ना मैं आराम से। फाइनली हम मिल गए हाईवे, और हाईवे में मिलते ही मिल गया जाम खतरनाक वाला। गाना लगा, वेब सीरीज देख लूंगी लग जाएंगे। मतलब इनके ना आरामों के वाला कोई काम नहीं है, मतलब यहाँ सारे मजदूरी हम करें, ड्राइविंग हम करें। मैं सीख तो रही हूँ गाड़ी चलाना, क्यों चिपड़ चिपड़ कर रहा है। सीखने के बाद क्या कर लेगी तुझे, होली पे मैं चला के लाऊंगी। मैं तो थक गया इस ट्रैफिक में पहले ही, आज तो मैं 2 घंटे में थक गया हूँ पहली बार। साला मैंने सोचा था हाईवे पे जाके कुछ ना कुछ अच्छा माहौल मिलेगा, और यहाँ आके तो लगे पड़े। एक जाहिल है पीछे जो बहुत देर से हॉर्न मार रहा है। अब भाई आगे जगह दिखेगी तभी तो तेरे को साइड दूर निकल जा। एक ट्रक और है आगे जिसने नहीं कुछ नहीं भाई, बात कर रहे हैं बीच हाईवे पे खड़ा करके, कुछ नहीं कर रहे काम वाम कुछ नहीं है इनके, बात कर रहे हैं। दो ब्रदर्स का मिलन हो रहा है बस। पुष्पा पूरी तरह छा गई है। शाम से निकले थे थोड़ी देर चले, दूसरे में फंस लिए। तो मुझे लग रहा है आज दिवाली पे सब लोग ज़्यादातर लोग घर जा रहे हैं, कल दिवाली है मेन दिवाली, इस वजह से बहुत जाम है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, पर मुझे नहीं लग रहा हम 11 बजे से पहले घर पहुंचने वाले हैं। इधर लाल हो रखा है पूरा। तो पहला टोल आखिरकार आ गया, काफ़ी अच्छी चलाई, 50 किलोमीटर था। भाई साहब की मशीन बिगड़ गई, सब जो पीछे छोड़े थे सब आगे आ गए वापस। ये सब पीछे थे, हमेशा ही गलत है, मैं फंसता हूं। सिस्टम बनाया ऐसा होना चाहिए, खड़ा 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 की स्कैन, पीछे लो आगे लो, क्या घटिया सिस्टम है यार। नींद ले ली अच्छी खासी सी, लगभग आधे घंटे की जब मैंने गाड़ी भगाई ना तो इसने नींद ले ली। नहीं हो सकते ये बात तो पक्का है। आलस के सबूत खुद बयान दिया ना इसने भी खुद। बढ़िया सीट मिल गई, सोने को क्या चाहिए।
पुष्पा तेरी फॉर्च्यूनर आ गई कहाँ पे? ये कहाँ है फॉर्च्यूनर? वो जा रही है आगे, वो तो वो टाटा की लग रही है कुछ, वो पुरानी फॉर्च्यूनर है इसलिए। सूरज दिख रहा है क्या? हाँ, लाल लाल लाख का गोला। सूरज क्या होता है? ये एक बड़ा आग का गोला होता है जो हमें रोशनी प्रदान करता है।